नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोल फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। यहाँ किस मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? देख रहे हैं आप, काली मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। सामने काली पूजा है। सर्वप्रथम हम प्रत्येक व्यक्ति को, शिल्पांचल वासी, पुरुलिया वासी, बर्धमान वासी को दीपावली एवं काली पूजा का शुभकामना देते हैं और छठ आने वाला छठ पूजा का भी शुभकामना देते हैं। इस मंदिर का निर्माण कब से शुरू हुआ था? मंदिर तो ऐसे 1986 में इसका पूजा चालू हुआ था, काली पूजा। आमडंगा वासी यहाँ पर काली पूजा चालू किए थे, लेकिन 2010 साल से हम लोग मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, जो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ। इस बार काली पूजा से पहले कंप्लीट होने का बात था, लेकिन प्राकृतिक दुर्जय के कारण हम लोग काली पूजा के पहले कंप्लीट नहीं कर पाए। आशा करते हैं छठ पूजा के बाद हम लोग मंदिर कंप्लीट कर पाएंगे। अच्छा, इस मंदिर निर्माण का उद्देश्य क्या है? देखिए, मंदिर निर्माण का उद्देश्य सब समय रहता है कि हम लोग जिस भगवान को पूजा करते हैं, जिस माँ को पूजा कर रहे हैं, हम लोग क्या जो मूर्ति जब विसर्जन करते हैं तो उसका जो खाका रहता है उठा कर लाकर हम लोग मंदिर में रखते हैं। वो रौद बरसात वगैरह में देखते थे, रौद लग रहा है, बरसात में पानी से भीग रही है माँ, खराब लगता था। इसी उद्देश्य से हम लोग मंदिर का निर्माण का कार्यभार हम लोग संभालने का चेष्टा किए, जो आज प्राय लगभग कंप्लीट के कगार पर है। मंदिर आप देख ही रहे हैं, मंदिर आपके सामने है। अच्छा, आने वाली काली पूजा जो कि 27 तारीख से शुरू होने वाली है, इस पूजा के दौरान और किस किस कार्यक्रम का आप लोगों ने आयोजन किया है? देखिए, हम लोग का 3 दिन पूजा चलेगा। काली पूजा 27, 28, 29, 30 को हम लोग काली पूजा विसर्जन होगा, मूर्ति विसर्जन होगा। और हम लोग इस बीच में हम लोग खिचड़ी भोग का भी आयोजन करते हैं और पायस लुची का भी आयोजन करते हैं। और हम लोग 3 दिन बड़े धूमधाम से इस पूजा को मनाते हैं, चूँकि आमडंगा में यही एक बड़ा पूजा है। परवेलिया इलाका में एक मानक स्थापित करता है हमारा आमडंगा काली पूजा। तो हम लोग चेष्टा करते हैं कि जो भी श्रद्धालु आए काली पूजा में, हम लोग उनका भरपूर सहयोग कर पाए, उल्लास के साथ पूजा देखें। यही सब हम लोग का उद्देश्य रहता है, यही कार्यक्रम 3 दिन का होता है। अच्छा, मंदिर निर्माण से लेकर हर साल पूजा आयोजन को लेकर सहयोग किन किन का रहा है? देखिए, स्थानीय नागरिक का जो चंदा आता है, वही चंदा से हम लोग पूजा करते हैं और स्थानीय लोगों के सहयोग से ही मंदिर का निर्माण कार्य हो रहा है। आप देख रहे हैं, 16 आना जब तक इन्वॉल्व नहीं होगा आप कोई भी काम को नहीं कर पाइएगा। तो सभी का सहयोग मिलता है और उन्हीं का सहयोग से आज मंदिर कंप्लीट की ओर है। आपका नाम? शांति भूषण यादव, काली पूजा कमेटी के प्रमुख। धन्यवाद।